यहाँ पर एक नहीं है बल्कि मल्टीपल पूल्स हैं, 3-4 थर्मल पूल्स. Boiling hot, it's literally 60 to 100 degrees hot. Water comes out from here underneath. आज इतनी धूप नहीं निकली है, बादल आए हुए हैं और थोड़ा सा ठंडा ठंडा भी लग रहा है, तो आज अच्छा टाइम है एक्चुअली में हॉट स्प्रिंग्स में जाने का, गर्म पानी में जाने का. Now look at those clouds, they look so crazy. पूरा बादल के बीचों बीच घुस रहे हैं, लेकिन ये फूल आने कभी बंद नहीं होते हाईवे पे, एंडलेस इनकी रोड चली जा रही है. फॉग इतनी ज्यादा हो गई है कि एकदम से गाड़ी चलाना मुश्किल हो चुका है. Now it's cleared up. Now just now it's clear. We're going into another one. This looks like Iceland so much. Like sometimes I have a hard time really seeing the moon. Yeah. Like here, look at this. Wow. You see nothing. Don't even see if it's curving or not. Yeah. It's very scary. लेकिन यही इस आइलैंड की खास बात है कि कभी भी वेदर ऐसा हो सकता है, कभी भी एकदम से क्लाउडी हो सकता है. थोड़ी सी इधर से उधर गए, सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ट्रैवल किए होंगे हम, और ये डिफरेंस है वेदर सिचुएशन में. Oh my God, we're right in the clouds, I think. Yeah. You can only see like 50 meters ahead. Look, oh my God. ये आदमी दिखाई नहीं हमें. We are very close. We are 800 meters away. Yeah. Yeah. Or, yeah, this is the one I think, Barossa. Well, I don't think we'll see any. Now it cleared up. Yeah, because we're out of the cloud. Yeah. यहाँ पे टेम्परेचर काफी ठंडा है नीचे के कंपैरिजन में. वाओ, लुक एट दैट, देयर्स अ स्टेशन अप देयर. यू सी नथिंग. ये एक्चुअली में एक मिराडूरो है जहाँ से व्यू पॉइंट आना चाहिए था, लेकिन व्यू ज्यादा दिख नहीं रहा है. एक्चुअली द लेक इज ऑन द अदर साइड, यू शुड सी इट ऑन द अदर साइड. इन बादलों के बीच देखते हैं क्या दिख रहा है. थोड़े से पेड़ वहाँ दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं है. चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है. इट स्टिल लुक्स कूल. Yeah, I feel very cold. यहाँ पर ये चिड़िया हमारे साथ है. तो ये जिस लेक का व्यू हमें यहाँ से दिखना चाहिए, थोड़ा सा दिख भी रहा है अब. इस लेक का नाम है लागुआ दो फोगो. लागुआ का मतलब है लेक, फोगो का मतलब है फायर पोर्चुगीज में. तो द फायर लेक. कम यूर सो फार अवे. एक तरह से हम बादलों के भी ऊपर हैं, बादल हमारे नीचे हैं चारों दिशाओं में. लुजैन की याद आ गई. लुजैन में जो व्लॉग बनाया था वो भी ऐसी था, पहाड़ियों के ऊपर और बादल हमारे आस पास घूम रहे थे हमारे से नीचे. Landscape is so much like Iceland. This is the path going there. Yeah, looks like it. Cloud is just coming up. When the cloud hides me and you can't find me anymore. तो इससे ज्यादा अच्छा व्यू तो दिख नहीं रहा, इसलिए वापस चलते हैं गाड़ी की ओर. इस पहाड़ी के पीछे खड़ी करिए गाड़ी. एक और पार्किंग स्पॉट मिला है थोड़ी सी नीचे जाकर, लेक के जो ज्यादा पास है. यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा लेक दिखने लग रही है. और कुछ देर वेट करने के बाद सारे बादल हट गए हैं और बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से. तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है कि ये फिक्स नंबर ऑफ लोगों को ही अलाउ करते हैं इस हॉट स्प्रिंग्स में जाना, ये वाटरफॉल जहाँ से गर्म पानी आता है. अभी हमें जो टाइम मिला है वो 6 बजे का मिला है, 2:30 होने लग रहे हैं. तो कहीं दूर यहाँ पे शहर है, वहाँ कुछ खाना खाते हैं और 4 घंटे बाद फिर से आते हैं इनमें नहाने के लिए. Three hours, yeah. So this is our lunch. Some pizza truck. Pizza truck and we have some pizza. Oops, and it's windy. 2 hours later. Finally, we're going to the hot springs at 6 p.m. But that's nice actually, because now the sun is no longer there. It's very cloudy and yeah, it's not as hot as before, because in the direct sunlight, it's extremely hot. तो
यहाँ पर एक नहीं है बल्कि मल्टीपल पूल्स हैं, तीन चार थर्मल पूल्स। इवन दो वाटरफॉल से जो पानी आ रहा था वो इतना गर्म नहीं था क्योंकि इन्होंने बताया वो काफी लंबा समय टपकता है, आते आते ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और जियोथर्मल है जहाँ से हीटिंग हो रही है, तो कुछ और यहाँ पर हॉट वाटर पूल्स हैं जो एक्चुअली में गर्म है, जैसे कि ये वाला, इसमें हम जाते हैं। यू कैन इवन सी हियर दिस कोन इज नॉट देयर फॉर नो रीजन, यू कैन सी स्टीम कमिंग आउट, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, इफ यू स्टेप ऑन इट इट एक्चुअली कैन हर्ट एंड बर्न बिकॉज़ द बॉइलिंग हॉट, इट्स लिटरली 60 टू 100 डिग्रीज हॉट वाटर कम्स आउट फ्रॉम हियर अंडरनीथ। गलती से मेरा अंगूठा यहाँ पर आ गया था, बहुत तेज जला। यहाँ एक्चुअली में भीड़ काफी ज्यादा है क्योंकि बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है अपेरेंटली। देखो कितने लोग ऑलरेडी यहाँ पर स्विमिंग करने लग रहे हैं। Initially, it might be a bit disgusting, huh? No. If you see down, I can see all the particles of algae and everything. Yeah, sure. Yeah. शुरू में बहुत ही अजीब सा लगता है कि यहाँ पे आ रहे हो जहाँ पे सब लोग हैं और इतने सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं पानी में, तो उतना साफ नहीं है लेकिन फिर भी नेचर में ही है तो ठीक है, रिलैक्सिंग बहुत है। If you stay in the warm water for too long, it's too hot, right? Start sweating and then yeah, you want to go. Yeah, that's why the waterfall is good. We can go there and then come. Yeah, back. The waterfall is cold water. Go there. Stop. गर्म पानी से निकलकर अब वापस ठंडे पानी में जा रहे हैं और फिर वापस गर्म, फिर वापस ठंडे में। यही मजा है यहाँ आने का। अच्छा है वैसे इन्होंने टिकट प्राइस बना दिया है क्योंकि नहीं तो बहुत भीड़ लग जाती। इतनी पॉपुलर अट्रैक्शन बन चुकी है ये इस आइलैंड पर। जैसे ही हमारा टाइम स्लॉट ख़त्म हुआ, जितने भी लोग यहाँ पर थे इन्होंने सबको बाहर निकाल दिया, इसलिए अब पूल देख सकते हो पूरे खाली हो गए हैं। ऐसे दिखते हैं खाली में, पूल ज़्यादा गहरे नहीं थे, सिर्फ 90 सेंटीमीटर इनकी डेप्थ थी। दो यहाँ थे गर्म वाले और एक वहाँ है गर्म वाला, और इसके अलावा एक और था जिसमें वाटरफॉल थी, बस यही थे चार। और ये जो नेचुरल जगह है जहाँ से पानी हीट अप हो रहा है, ये बॉइलिंग वाटर है यहाँ पर, इसको नाम दिया गया है इन्होंने, इसे कहते हैं फ्यूमा रोल। यहाँ से पानी हीट अप होकर इस पूल में आता है, उसके बाद बाकी उन दो पूल्स में जाता है। यहाँ से भी क्या जबरदस्त व्यू दिखने लग रहा है अटलांटिक ओशन का। यहाँ पहाड़ियां हैं और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, वहां से ऊपर चढ़ के जंगलों के बीच में था ये हॉट स्प्रिंग। लेकिन पीछे का व्यू देखो, क्या बढ़िया व्यू है इस आइलैंड पर। हर जगह हर कोने में व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं। ये जो बर्ड की आवाज आप सुन रहे थे, हाँ वैसे बर्ड की ही आवाज थी ये। रात को एक बड़े स्पेशल टाइप की अजोरियन बर्ड है, जो सी बर्ड है, जो सिर्फ रात को ही आवाजें निकालती है। ऐसा लग रहा है कोई बच्चा रो रहा हो, ऐसी आवाज आ रही है, और ये सिर्फ यही अजोर्स आइलैंड पर ही आती है। The next day. हम फिर से उसी लेक पर आए हैं, द फायर लेक। आज हमने सोचा ट्रैकिंग करके नीचे तक जाएंगे लेक के। ये बेस्ट व्यू था जो अभी तक हमने कहीं पर भी देखा था इस आइलैंड पर। और ये जगह हमेशा ही ऐसी मिस्टी सी रहती है, हमेशा क्लाउड रहते हैं यहाँ पे। वो जो रोड दिख रही है वहाँ पर कार पार्किंग थी, तो ऐसे ऐसे चलकर आए, छोटा सा हाइकिंग पाथ है यहाँ पर, और यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू दिखता है इस पूरी लेक का। बादल धीरे धीरे आते हुए दिख सकते हैं। मैंने जो जूते पहने हैं वो हाइकिंग शूज नहीं पहने, इनके नीचे फ्लैट सोल है, तो मैं बड़ी आसानी से फिसल रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी खाई है, इधर भी, लेकिन यूली के जूते हाइकिंग शूज हैं, तो उसके लिए आसान है ये करना। Just like yesterday. Wow. Till now is the best view we have gotten. Yeah. Here, right? In this island. Yeah, for sure. Yeah. Yeah, right? You always think you're on the edge, and then it goes down. I thought this was the end, but you. Now this is the new edge.
such a thick jungle here. Mm-hmm. I miss Tamil. Doing it for the vlog. This is not planned.